हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, घर में तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे घर के काम कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारा काफ़ी सारा समय चला जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आपके घर के घंटों वाले काम भी कुछ ही मिनटों में हो जाएंगे। और साथ ही साथ बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना सिलाई मशीन के फटे पुराने कपड़ों को सिर्फ एक छलनी की मदद से आप कैसे सिल सकते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा, और आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल हैक है यहां पर पुराने बेकार हो चुके दियो को लेकर। अक्सर दोस्तों, हम सबके घर में दियो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं और यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक दिया करते हैं। लेकिन आज बेकार हो चुके इन दियो की एक ऐसी जबरदस्त आपको ट्रिक बताने वाली हूं, जिसे देखने के बाद आप इन पुराने दियो को देखने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। तो सबसे पहले आपको लेने हैं इस तरीके से 2 पुराने दिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है खाने वाला नमक। तो यहाँ पर जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं ना, तो मैंने वही नमक यूज़ किया है। तो आपको 1-1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐसे भर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके से जब आप इसमें नमक रख लेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, इन दियो का इस्तेमाल अब आपको करना है अपने बाथरूम वाले एरिया में। दोस्तों, बाथरूम जो होता है ना, वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर नमी और नेगेटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो इसे दूर करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नमक को इस तरीके से बेकार हो चुके किसी दिए में रख लीजिए और 1 चम्मच नमक भर के अपने बाथरूम में रख दीजिए। ये नमी और नेगेटिविटी और बाथरूम की जो स्मेल है उसे दूर करने का काम करता है, और साथ ही साथ बाथरूम में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसे मारने का काम भी करता है। तो इस तरीके से हमेशा आपको एक दिए में नमक भर के रख देना है। जब ये नमक कुछ दिनों बाद गीला हो जाता है, इसमें नमी आ जाती है, इसके बाद आपको को चेंज कर देना है और एक दूसरे दिए के अंदर आपको नमक भर के रख देना है। ये नमक इतना ज्यादा फायदेमंद होता है ना, कि आपके घर में आने वाली हर परेशानी को भी दूर करता है और आपके घर को बिल्कुल फ्रेश रखता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल हैक की तरफ, जो कि है यहाँ पर कांच के ग्लास को लेकर। अक्सर दोस्तों, हम सभी के घर में इस तरीके के कांच के ग्लास होते हैं, जो कि हम अक्सर पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में यूज करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या इसका कोई और भी यूज हो सकता है? आज मैं आपको इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाली हूँ चाकू के साथ। दोस्तों, हमारे घर में जो चाकू होते हैं ना, टाइम टू टाइम जब इनका हम यूज करते रहते हैं अपने कामों में, तो उसके बाद जो इनकी धार होती है, आपने देखा होगा, काफी ज्यादा ना वीक हो जाती है। तो उसकी जब धार बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो इसे तेज कराने के लिए हमें कहीं और बाहर लेके जाना पड़ता है और पैसे खर्च करके इसकी धार तेज करवानी पड़ती है। लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं कांच के ग्लास का अपने चाकू की धार को तेज करने में। बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसकी धार इतनी ज्यादा शार्प हो जाती है ना, कि जो आप बाहर पैसे खर्च करके इसकी धार जो है तेज करवाते हैं, वो बहुत ही आसानी से आप घर में ही कर पाते हैं। तो चाहे आपके पास ऐसे प्लेन वाला चाकू है या फिर ऐसे पिलर है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से धार को तेज करने के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगले यूजफुल हैक की तरफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक जिसके अंदर आप अपने फटे पुराने कपड़ों को बिना सिलाई मशीन के सील सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो भी सिर्फ एक छलनी की हेल्प से। किस तरीके से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, जिन लोगों के पास सिलाई मशीन नहीं है और हाथ से ही आप कपड़ों को सीलते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। खासतौर पर जो कमर वाला एरिया होता है जिसमें इलास्टिक होती है, ये वाला एरिया थोड़ा सा मोटा होता है यहाँ से कपड़ा, तो इसके अंदर जब सुई जाती है ना, तो बहुत आसानी से नहीं निकलती है बाहर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, और कई बार हमारे हाथों में भी दर्द हो जाता है, सुई कई बार टेढ़ी हो जाती है या फिर टूट भी जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं इस तरीके से, जब आप सुई इसमें डालते हैं ना, जैसे कपड़ा जीन्स का होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और उसके अंदर सुई नहीं जा पाती है, तो आपको इस तरीके से ऐसे लोहे वाली छलनी आपको लेनी है और इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रगड़ना है। इससे ना जो सुई की नोक होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाती है और कपड़े के अंदर बहुत ही आसानी से चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से थोड़ी सी देर रब करने के बाद ही सुई कितनी आसानी से कपड़े में से निकल गई है। आपका कपड़ा चाहे कितना भी मोटा है, कितनी भी फोल्ड आपने उसमें की है, बहुत ही आसानी से सुई कपड़े में से निकल जाती है। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक मुझे लगी और पर्सनली मैंने इसका यूज़ किया है, आप भी यूज़ करके देखिएगा, आजमाई हुई ट्रिक है और सच में बहुत अच्छे से ये काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, मोटा कपड़ा ऑलरेडी है और मैंने इसकी 2 फोल्ड और कर दी हैं, और इस तरीके से आप थोड़ा सा ना, इस तरीके से आप इसको जब रब करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी आसानी से सुई कपड़े के अंदर चली जाती है। आप ये देखिए कितनी आसानी से सुई इसके अंदर चली जाती है, क्योंकि रगड़ने से ना जो ये सुई
का आगे वाला एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जो कि कपड़े में से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अगर आपके घर में भी सिलाई मशीन नहीं है और कपड़े सिलते वक्त आपको भी ऐसी कोई दिक्कत या झंझट होती है तो आप इस वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपके काम को आसान भी कर देती है और साथ ही साथ आप इसका यूज़ भी कर पाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वाली ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़फुल हैक की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगला यूज़फुल हैक आता है हमारे यहाँ पर कंघी को लेकर। कंघी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में इस्तेमाल की जाती है और इस तरीके से जब हम नई कंघी लेकर आते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये सर में काफ़ी ज़्यादा चुभती है। बड़ों को चुभती है सर में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चे छोटे घर में होते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करके आप इस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब कभी भी आप नई कंघी लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है माचिस का। इस तरीके से आपको माचिस लेनी है और इसमें से एक तीली आपको निकाल लेनी है। बहुत आसानी से माचिस का इस्तेमाल करके इसकी तारों को आप सॉफ्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से मैच बॉक्स का इस्तेमाल करना है, तीली को जलाना है और यहाँ पर जो आपकी नई कंघी है इसके ऊपर इस तरीके से हल्का हल्का ना आपको इस तरीके से लगा देना है, जिससे कि जो कंघी की जो आगे वाली तारें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकीली होती हैं, जो सर में काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे कि जब आप बाल बनाते हैं अपने या फिर छोटे बच्चों के तो उनके सर में नहीं लगती है। तो ये वाली ट्रिक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी, पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा ये काम करती है। तो आप भी इसका यूज़ करके देखिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसी कंघियाँ हैं जिनका आप यूज़ करते हैं और सर में काफ़ी ज़्यादा लगती हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक भी काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड हैक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके घर के काम तो आसान होते ही हैं, साथ ही साथ जिन कामों के ऊपर आपके फालतू पैसे खर्च होते हैं वो पैसे भी आपके बच जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलूंगी दोस्तों फिर से आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।